जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 आज 8 मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव शयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत नियम महत्व के बारे में, इस व्रत में खास करके किन उपायों को करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी भक्तों को देव शयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देव शयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इसी दिन से जो कि चातुर्य मास की शुरुआत भी होती है, जो कि 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु इस दिन से पाताल लोक में निवास करते हैं और फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देव शयनी एकादशी तथा कार्तिक मास की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में जो कि सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य, विवाह आदि कार्य जो कि बंद हो जाते हैं, और इन 4 महीने जो कि भगवान विष्णु जो कि क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन करते हैं, और इस दौरान जो कि साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इस बार देव शयनी एकादशी का व्रत जो कि 29 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जून 2023 दिन बुधवार रात्रि 3:20 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 29 जून 2023 दिन गुरुवार रात्रि 2:43 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 29 जून 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत का पारणा जो कि अगले दिन 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:52 से सुबह 7:52 तक व्रत का पारण किया जाएगा। देव शयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम, यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग रात्रि 3:43 तक होगा, उसके बाद साध्य योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र शाम 4:30 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। 29 जून को जो राहु काल का समय होगा वह समय 1:44 से 3:27 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। और 30 जून को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:18 से 12:01 तक होगा। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है, दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में जो कि चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कटहल की सब्जी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दशमी को जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करे, उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले, दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखे, और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए।
उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं देव शयनी विष्णु शयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। आप चाहें तो फलाहार ग्रहण करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं या सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन फलाहार में जो भी फल फ्रूट हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूध से बने हुए वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। चाय कॉफी आदि पी सकते हैं। दूध ग्रहण कर सकते हैं। केवल एकादशी के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, फलाहार आदि का सेवन करके आप व्रत को धारण कर सकते हैं जो उपवास नहीं रह पाते हैं। देव शयनी एकादशी के दिन जो कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तंबाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत धारक को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, तो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो इनका बिल्कुल भी अपमान ना करें। इस दिन जो कि दिन रात्रि अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं और भक्ति भजन कथा श्रवण स्तोत्र पाठ आदि का श्रवण करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। देव शयनी एकादशी के दिन इस दिन जो कि भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या कोटसोपचार विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी को इस दिन उपवास करके जहां तक हो सोना चांदी तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उनका यथोपलब्ध उपचारों से पूजन करके, जो कि पीतांबर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिया वाले पलंग पर, जो कि शाम के समय में इस दिन भगवान को शयन कराना चाहिए, भगवान को सुलाना चाहिए। उस अवसर के जो कि 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट सिद्धि के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें, जैसे कि मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करना चाहिए। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्रादि समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का और सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए नक्त व्रत अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत, जो कि देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, जो कि 4 महीनों के लिए इन भक्ष्य भोज्यादि सभी पदार्थों के भक्षण करने का त्याग रखे और उपयुक्त 4 व्रतों में जो बन सके उनको ग्रहण करे तो महाफल की प्राप्ति होती है। यानी कि देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक इन 4 महीनों के लिए अगर अपने प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं, जो भी बतलाया गया है इसके अनुसार, तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास या मल मास होने पर 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। इस बार जो कि अधिक मास मल मास लगने जा रहा है, इस कारण से इस बार
जो कि चातुर्मास चार महीनों का होता है, लेकिन इस बार जो कि अधिक मास होने के कारण एक महीना और ज्यादा हो जाएगा। देव उठनी एकादशी का व्रत जो किया जाएगा वह 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा, और इस बार देव सैनी एकादशी का व्रत जो कि 29 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। तो एकादशी तिथि के दिन जो कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए इस दिन चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले अपने लिए एक आसन लगाए, आसन पे जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, अपना आसन शुद्धिकरण करें। कुशा अगर आपके पास हो तो कुशा को धारण करें अंगूठी के रूप में, फिर तिलक धारण करें, और सबसे पहले जो कि गणेश अंबिका का पूजन किया जाता है तो पहले गणेश अंबिका का पूजन करें। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश अंबिका यानी कि गौरी गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद कलश को स्थापित करे। कलश के नीचे जो कि कुछ मिट्टी रखे, उसके ऊपर से सप्त धान्य रखे, उसके ऊपर कलश को स्थापित करे। कलश में जल डाले, सुपारी डाले, उसमें कुछ द्रव्य डाले, उसके ऊपर से आम का पल्लव रखे, उसके ऊपर जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से पानी वाला एक नारियल रखे, और फिर कलश देवता का पूजन करे। कलश में तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। उसके बाद फिर नवग्रह, इंद्रादि, दस दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, उसके बाद काले तिल भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को ध्यान रखे कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत के जगह भगवान को तिल अर्पित की जाती है, तो भगवान विष्णु को अक्षत बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। काले तिल चढ़ाए और तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी अति प्रिय होता है, जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं उस समय अवश्य ही तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। विशेष करके जो भी अभी गर्मी के मौसम में ऋतु फल आदि हो भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाएं, और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए, या आप जो भी फलाहार ग्रहण करते हैं तो पहले उसे भगवान को भोग लगा दे, उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल से आचमनी करवाएं। जब भी आप किसी को भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल, लौंग इलायची के साथ में यानी कि सुपारी, पान पत्र, लौंग इलायची के साथ में भगवान विष्णु को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें। इसके बाद फिर देव शयनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इसी प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, और शाम के समय में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के लिए उनके शयन के लिए उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, और चार महीनों के लिए जो कि भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, और फिर देव उठनी एकादशी के दिन भगवान का प्रबोधन करना चाहिए, जागरण आदि का कार्य करना चाहिए, भगवान को जागृत करनी चाहिए, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी व्रत के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, और द्वादशी तिथि के दिन जो कि सुबह अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, उसके बाद भगवान का पूजन और आरती कर ले,
उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। अगर ब्राह्मणों को उस समय भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनके निमित्त जो भी आपसे अन्न हो, वस्त्र हो, उनके निमित्त निकाल करके रख दें। उसके बाद फिर कहीं मंदिर में दे आए या किसी ब्राह्मण को दें। इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। बिना ब्राह्मण भोजन और बिना दान दक्षिणा दिए हुए दत्त का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उस दिन जहाँ तक हो सके द्वादशी तिथि के दिन जल से भरा हुआ घड़ा आदि का दान करे। अभी गर्मी का मौसम है तो इस दौरान जो कि छत्र, उपाहन यानी कि जूते आदि का दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, गौ, जो भी आपसे बन सके, जो भी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। इसके बाद समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करने से जो कि सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत समय में जो कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें अगर मासिक धर्म में होती हैं तो उन्हें व्रत तो धारण अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में नियमों का पालन भी करना चाहिए। केवल आप भगवान का मूर्ति स्पर्श ना करें या पूजन आदि की सामग्री को स्पर्श ना करें। आप भगवान का जो कि मानसिक पूजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान जो कि अपने मन को नियंत्रित करनी चाहिए, मन को भटकने नहीं देना चाहिए। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके मौन धारण करना चाहिए, कम बोलनी चाहिए, ज्यादा बात किसी से नहीं करनी चाहिए। चोर, पाखंडी, धूर्त आदि व्यक्तियों से जो कि दूरी बना करके रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु अपना अवश्य ही कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।